नमस्कार, अचूक प्राचीन टोटके में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिल सके। और इस वीडियो में आज हम यह देखेंगे कि हनुमान जी और शनिदेव के गुप्त रहस्य जो आज तक कोई नहीं जान पाया। हिंदू धर्म में पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है तथा वही शनिदेव को दंड अधिकारी माना जाता है जो व्यक्ति के बुरे कर्मों की उन्हें सजा देते हैं तथा दोनों ही देवों का महादेव शिव के साथ गहरा संबंध है। हनुमान जी महादेव शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। वही शनिदेव के गुरु स्वयं साक्षात भगवान शिव थे तथा भगवान शिव से शनिदेव को शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। इसके साथ जो भी व्यक्ति महादेव शिव का पूजन करता है उसे शनिदेव का आशीर्वाद स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इन तथ्यों के अलावा संकट मोचन हनुमान जी एवं दंड अधिकारी शनिदेव के संबंध में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य पुराणों में वर्णित है जिनसे शायद कोई परिचित होगा। पुराणों में वर्णित इन तथ्यों के अनुसार हनुमान जी एवं शनिदेव में काफ़ी समानताएं हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े गुप्त रहस्यों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान जी एवं शनिदेव के समानताएं इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य संहिता के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म शनिवार के दिन हुआ था। हनुमान शास्त्र नाम में से एक नाम शनिदेव जी का भी है। पवन पुत्र हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार है और रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम है। इस अनुसार हनुमान जी भी इस एक तरह से शनिदेव के गुरु हुए। शास्त्रों में हनुमान जी एवं शनिदेव के समान रंग रूप की बात कही गई है। एक अन्य मान्यता के अनुसार हनुमान जी को यह रंग शनिदेव के क्रूर दृश्य के कारण मिला था। इन समानताओं के साथ ही हनुमान जी और शनिदेव में अनेक भिन्नता भी है। हनुमान जी को शिक्षा शनिदेव के पिता सूर्यदेव ने दी थी। शनिदेव के अपने पिता सूर्यदेव के साथ लड़ाई थी परंतु सूर्यदेव ने भगवान हनुमान जी को संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करी थी तथा इसी कारण हनुमान जी महावीर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। शनिदेव को अक्सर लोग एक उनके कार्य के कारण क्रूर एवं निर्मम प्रकृति का मानते हैं। वहीं भगवान शिव एवं हनुमान जी दयालु एवं संकट हारने वाले देव माने जाते हैं। भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म पवन पुत्र जी के कारण हुआ था। वहीं भगवान शनिदेव का जन्म अग्नि से हुआ था। शनिवार के दिन जहां तेल बेचने की मनाही है वहां उसी दिन हनुमान जी पर तेल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। हनुमान जी ने अनेकों बार दंड अधिकारी शनिदेव को दंड भी दिया है, वहीं उनकी मुसीबत में मदद भी की है जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। जय हनुमान जी, जय शनिदेव जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।